हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, और ये हमारा करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें अगेन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं जिसको आपको वन बाई वन लर्न कर लेना है। चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जैसा आपको देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किए गए, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो कि न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया, इसे जानते हैं कि ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में। और टेलीविजन देखिए आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए आया है ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है सेकंड नंबर, ये कृष्णा नगर को 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है। तो देखिए कृष्णा नगर नहीं, कृष्ण नागर नाम है। तो देखिए फिर से देख लीजिएगा, कह रहे हैं कृष्णा नागर को एक है, कृष्णा नागर को इंसान है, कह रहे हैं इनको 2021 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कह रहे हैं किस खेल से संबंधित, जानते रहे कि ये खेल से जो संबंधित है यह है पैरा बैडमिंटन, और पैरा बैडमिंटन देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, तो हमारे यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संध्या गुरुंग जिन्हें 2021 में द्रोण पुरस्कार दिया गया, कह रहे हैं किस खेल से संबंधित हैं। तो जानते रहे कि जो संध्या गुरुंग जो हैं, जानते रहेगा इनको जो 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, ये संबंधित है बॉक्सिंग से, और बॉक्सिंग देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जानते रहेगा 2021 में जो खिलाड़ियों को किया गया अर्जुन पुरस्कार से, उनकी संख्या जो है वो है 35, और 35 देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली खिलाड़ियों की जो संख्या कितनी है 35 है। फिर देखिए आ जाएंगे फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजामिन लिस्ट में इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जानते रहेगा बेंजामिन लिस्ट में जो भी यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी में से जानते रहेगा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला गया है बेंजामिन लिस्ट में, वो है रसायन के क्षेत्र में, और रसायन के क्षेत्र में दिखे आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दामित्री मुरातोव को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो दामित्री मुरातोव जो हैं, कह रहे हैं इनको नोबेल पुरस्कार 2021 तो मिला है, लेकिन कह रहे हैं कि किसके लिए इनको मिला है। तो जानते हैं कि इनको शांति के लिए मिला है, शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? दामित्री मुरातोव को। और क्या मिला है इनको? 2021 का नोबेल पुरस्कार, और किस लिए मिला है? शांति के क्षेत्र के लिए। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब्दुल रजाक गुरनाह को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसका मतलब जो अब्दुल जो हैं, अब्दुल रजाक गुरमान जो हैं, इनको नोबेल पुरस्कार 2021 तो मिला है, लेकिन किसके लिए मिला है? तो जानते रहिए इनको साहित्य के लिए मिला है, और साहित्य देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तुम्हारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अब्दुल रजाक गुरनाम को। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे एट्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहली बार MBBS की पढ़ाई को हिंदी में करवाने का ऐलान किया है। तो जानते रहेगा जिस राज्य सरकार ने पहली बार MBBS की पढ़ाई को हिंदी में करवाने का ऐलान किया है, वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश दिखाया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नाइन्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई, जिसका नाम क्या है? मिराई। इतना याद रखिए, हो सकता है कि इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो भी गाड़ी या जो भी जो कार है या जो भी मोटर व्हीकल है उसका नाम क्या है, तो मिराई है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई से नितिन गडकरी सांसद पहुंचे, इसे किस कंपनी ने बनाया है। तो जानते रहेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार जिसका नाम मिराई है, जिसे नितिन गडकरी संसद पहुंचे थे, इसको बनाया है टोयोटा ने, और टोयोटा दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई को किस कंपनी ने बनाया है, तो आंसर क्या होगा? टोयोटा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे यहाँ टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य के शास्त्रीय वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई
नाग स्वर्म को जीआई टैग मिला है। तो जानते हैं कि जिस राज्य के शास्त्रीय वायु वाद्य यंत्र जिसे क्लासिकल विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, नरसिंह पेट्टई नाग स्वर्ग को जो है ये नाम है जानते हैं कि इसको जीआई टैग मिला है। और ये जानते हैं कि इसका संबंध जो है वो है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस राज्य के शास्त्रीय वायु याद यंत्र को, तो जानते रहेगा जिस राज्य का ये शास्त्रीय वायु यंत्र है वो कौन सा है, वो है तमिलनाडु राज्य का, और इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने किस आधार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया है। तो देखिए कर्नाटक का जो कर्नाटक हाई कोर्ट है कह रहे हैं कि उस किस आधार पर हिजाब को शिक्षण संस्थाओं में बैन करने के लिए जो बैन उन्होंने किया है, तो क्या उन्होंने तर्क दिया है, तो याद रखिएगा उन्होंने जो तर्क दिया था, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, भारतीय संस्कृति का तर्क उन्होंने दिया, या धार्मिक आज़ादी का हनन का तर्क दिया है, देश की सुरक्षा का तर्क दिया, या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है ये तर्क दिया। तो जानते हैं कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिस आधार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को सही ठहराया था, वो था कि ये ऑप्शन नंबर डी, कि जो हिजाब है ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान, यानी कुरान के अनुसार ये बिल्कुल भी उसका हिस्सा नहीं है। तो इसी आधार पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम बताइए, इसमें भगत सिंह का जो पैतृक गांव था उसका नाम क्या है। अब कह रहे हैं जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली, तो भगत सिंह जी के पैतृक गांव का नाम क्या है जहां पर भगवत सिंह जी ने शपथ ली है, तो जानते हैं उनका जो पैतृक गाँव का नाम है वो है आपका खटकड़ कला, और खटकड़ कला देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भगत सिंह जी के पैतृक गाँव का नाम क्या है, खटकड़ कला। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक सामान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। तो कह रहे हैं किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप बनाया है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप को लॉन्च किया है, तो जानते रहिएगा वो जो सरकार है वो है कर्नाटक सरकार, और कर्नाटक दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा कर्नाटक सरकार का संबंध किससे है, दिशांक, दिशांक ऐप को किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक सरकार ने। फिर देखिए आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि देश में पहली बार किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। तो किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए गोबर से बने ब्रीफकेस का यूज किया है, तो जानते रहिएगा वो है भूपेश बघेल, और भूपेश बघेल दिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा कि ये भूपेश बघेल जी जो है ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि विधानसभा में बजट पेश करने के लिए ये गोबर से बने ब्रीफकेस को लेकर आए थे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कितनी प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है। तो जानते रहेगा केंद्र सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जितनी प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है वो है 50%, और 50% लिखा है ऑप्शन नंबर ये 50%, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 में संशोधन करके किस तरह के नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 में संशोधन करके जिस तरह के नेशनल फ्लैग निर्माण करने और आयात करने को मंजूरी दी है वो है पॉलिएस्टर का। पॉलिएस्टर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 में संशोधन करके पॉलिएस्टर नेशनल फ्लैग के निर्माण और आयात को मंजूरी दी है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए केंद्र सरकार ने किन मंत्रियों को वहाँ पड़ोसी देशों में भेजा। तो याद रखिएगा युद्ध की वजह से यूक्रेन में जो भारतीय जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो मंत्रियों के समूह को जो भेजा गया था उसमें कौन कौन थे, तो याद रखिएगा उसमें जो थे हरदीप सिंह पुरी भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, किरण रिजिजू भी थे, और जनरल वी के सिंह भी थे। तो ये चारों लोग थे, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हम डी को क्लिक कर देंगे जिसमें दिया है ए और बी दोनों। तो जानते रहिएगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जो राजनेताओं को भेजा गया था
कौन कौन थे? हरदीप सिंह पुरी भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, किरण रिजिजू भी थे और जनरल वी के सिंह भी थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने भारतीयों को लाने के लिए अभियान एक लॉन्च किया था, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस अभियान का नाम क्या है। तो जानते रहेगा केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जिस अभियान को लॉन्च किया था उस अभियान का जो नाम था वो था ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन गंगा देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भारत ने किस अरब देश में आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का फैसला किया है। तो जानते रहिएगा भारत ने जिस अरब देश में आईआईटी जिसे आप कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का फैसला किया है वह है संयुक्त अरब अमीरात, और भाई संयुक्त अरब अमीरात देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तुम्हारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट जॉब में कितनी फीसदी आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन को, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट जॉब में कितनी फीसदी आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। तो जानते रहेगा जो प्रतिशत जो रद्द किया गया है वो है 75%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट जॉब में 75% आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी को यहां पर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है कि अहमदाबाद सीरिया बम ब्लास्ट में 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई। तो जो अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें 38 दोषियों को फांसी की सजा भी हाल ही में हुई है, और कह रहे हैं सजा हुई है और जो कि स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। तो याद रखिए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था उसके 38 दोषियों को फांसी की सजा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। कह रहे हैं कि यह ब्लास्ट हुआ कब था, उनको सजा तो अभी हुई है, हाल ही में हुई है, 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई स्पेशल जो है कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, लेकिन वो एक्चुअल में हुआ कब था यह घटना। तो याद रखिए जो सीरियल ब्लास्ट जो हुआ था अहमदाबाद बम ब्लास्ट ये हुआ था 26 जुलाई 2008 को, और 26 जुलाई 2008 आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहां पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट जो कि 26 जुलाई 2008 को हुआ था इसमें पाए गए 38 दोषियों को फांसी की सजा स्पेशल कोर्ट ने हाल ही में सुनाई है। फिर देखिए आ जाएंगे यहां पे 22 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन पर कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य किया है। तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन पर जो बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को जो अनिवार्य किया है उसकी जो उम्र बताई गई है वो है, अब याद रखिएगा, 4 साल से कम। जी हाँ, 4 साल से कम के बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन पर जो है सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट को अनिवार्य किया है, और 4 साल से कम की बात दिखी है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आया है बी में, तो इसलिए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 23 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रेलवे की कितनी सर्विस को एकीकृत करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं IRMS का कैडर बनाया है। तो जानते रहिएगा केंद्र सरकार ने रेलवे की यहाँ पे जो बात कर रहा है कि कितनी सर्विसेज को एकीकृत कर, मतलब कितनी सर्विसों को एक जगह लाकर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का कैडर बनाया है। तो याद रखिएगा इसकी जो संख्या है वो है, याद रखिएगा 8। तो 8 दिखे है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है केंद्र सरकार ने रेलवे की 8 सर्विसेज को एकीकृत करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का कैडर बनाया, कितनी सर्विस को उसको इकट्ठा करके 8, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हम यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर बैन लगाने का फैसला किया, इसमें किस क्षेत्र को अपवाद में रखा गया। इसका मतलब केंद्र सरकार ने भी, आपने भी सुना होगा कि हाल ही में ड्रोन के आयात की बाहरी जो विदेशों से आने वाले जो है ड्रोन को उन्होंने बैन कर दिया था, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ ड्रोन पे जो है और नहीं लगाए गए थे रोक, लेकिन वो किस एरिया के लिए नहीं लगाए गए थे आपको ये बताना है। तो नॉर्मली तो बैन कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, R&D, ऑप्शन बी में है डिफेंस, और ऑप्शन सी में है सिक्योरिटी, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर बैन तो लगाया था, लेकिन जानते रहेगा एक अपवाद के रूप में उन्होंने रखा था कि अगर आप आर डी
डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं ड्रोन, तो उस पर बैन नहीं होगा। इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी होगा, उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए अगर पर्पस से अगर ड्रोन लिया जा रहा है, इसको ना भारत सरकार अगर ले रही है, तो उस पर सैनिक अगर चाह रहे हैं, हमारे देश के जो जो सेना है अगर वो चाह रही है ड्रोन खरीदना, जो है जो भी अपनी सीमा पर निगरानी करने के लिए, अटैक करने के लिए, तो उनके लिए इस ये अपवाद में रखा गया, उनके लिए कोई भी रोक नहीं थी। लेकिन नॉर्मल इंसान अगर ड्रोन खरीदना चाह रहा है तो भारत के बाहर से, तो उनके लिए रोक लगा दी गई है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 24-25 में, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूजीलैंड में जम्मू कश्मीर में, न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के सहयोग ज्ञापन पर साइन किया। इसका मतलब कि न्यूजीलैंड जो है वो जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में सहायता करने के लिए उसने साइन किया है, इसका मतलब उसने मिलकर डेवलपमेंट करने के लिए करार किया है, तो किस क्षेत्र में न्यूजीलैंड ने साइन किया है भारत के साथ। तो जानते रहिएगा, जो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने जो जम्मू कश्मीर में वो किया है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में फार्मिंग के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए जानते रहेगा सहयोग ज्ञापन पर MOC पर साइन किया है, ये याद रखिए। तो इसमें हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 26 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोट लैब डायनेमिक्स और बोट लैब डायमेनिक्स देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा 73वें गणतंत्र के बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन का जो शो हुआ था, उसे IIT दिल्ली के सहयोग से जिस स्टार्टअप ने प्रदर्शित किया था, उसका नाम क्या है, बोट लैब डायनेमिक्स। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 31 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 73वें गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट समारोह से महात्मा गांधी की पसंदीदा कौन सी धुन को हटा दिया गया। तो याद रखिएगा 73वें गणतंत्र दिवस के बीटिंग क्या है, बीटिंग द रिट्रीट समारोह से महात्मा गांधी की पसंदीदा जो धुन को हटाया गया, वो जो धुन थी उसका नाम था अबाइड विद मी देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तुम्हारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 73वें गणतंत्र के दिवस के उपलक्ष्य में बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान महात्मा गांधी की जो पसंदीदा धुन को हटाया गया था, वो था अबाइड विद मी। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 32 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बहिष्कार का ऐलान चीन के किस कदम के बाद उठाया। तो देख लीजिएगा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बहिष्कार का ऐलान किया था, और कह रहे हैं चीन के किस कदम के बाद इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा कि ये जो हुआ था, ये गलवान घटना जो हुई थी अभी हाल ही में हुई थी, आपको याद होगा गलवान की घटना के चीन सैनिकों को मशाल देना, इसका मतलब कि ये जो बीजिंग में जो ओलंपिक विंटर जो होने वाले थे ना, इसमें क्या था, उसमें मशाल लेके जो लोग दौड़ते हैं, इसमें जो गलवान घाटी में जो भी सैनिक, उनके जो भी चाइनीज जो शामिल थे, उनको ये मशाल थमा दी गई थी, और इसके विरोध में फिर भारत ने क्या किया था, डिप्लोमेटिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, यहां पे हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे यहां 33 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुनावी शुभंकर शेरा जिसका नाम है, का अनावरण किस राज्य में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। तो जानते रहेगा चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण जिस राज्य में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था, यह याद रखिएगा, यह था आपका पंजाब, और पंजाब देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है चुनावी शुभंकर जिसका नाम शेरा है, इसका अनावरण जिस राज्य में मतदाताओं को जो है मतदान देने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए किया गया था, वो कौन सा राज्य है, वो है आपका पंजाब। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 34 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 73वें गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे, जो 73वां अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ है, इसके दौरान मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था। देखिए ऑप्शन ए में आया है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी में आया है क्या है, गोटाबाया राजपक्षे, ऑप्शन सी में है 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा 73वें गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि जिनको बनाया गया था, वैसे तो इनवाइट किया गया था 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को किया गया था, लेकिन याद रखिएगा चूंकि यहाँ पे कोरोना की कुछ मैटर जो था, कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी, इसलिए इनका जो भी आना था, 5 मध्य एशियाई जो देश के जो राष्ट्रपति थे, वो नहीं आ पाए। इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, हम डी नंबर को राइट आंसर कर देंगे। तो 73वें गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि किसी को भी नहीं बनाया गया था, बुलाया जरूर गया था लेकिन कोरोना को देखते हुए बाद में उसे रद्द कर दिया गया था, इसलिए 73वें गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि कोई नहीं थी, याद रखिएगा। फिर देखिए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि देश में पहली बार किस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस
तैयार किया। तो जानते रहे कि देश में पहली बार जिस राज्य ने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है वो जानते रहेगा, वो है आपका केरल। और केरल लिखिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे बी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आज हमने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो 35 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बार बार वॉच करें और आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए कितने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.